लोग ट्रेन से सफ़र करना बेहद पसंद करते हैं, क्योंकि इसका मुख्य कारण यह है कि यह बेहद सस्ता और किफ़ायती और सुविधाजनक होता है। आप में से कई लोग ने ट्रेन की सफ़र की होगी, पर क्या आपने एक बात की नोटिस की है कि ट्रेन के रंग अलग अलग क्यों होते हैं? क्यों हमें नीला, लाल, पीला और हरे रंग के डिब्बे दिखाई देते हैं और इनका क्या मतलब होता है? तो आइए जानते हैं। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीले रंग के डिब्बे का क्या मतलब होता है? ज़्यादातर ट्रेनों के डिब्बे नीले रंग के होते हैं, जो यह बताता है कि यह कोच इंट्रीगल कोच फैक्ट्री के कोच हैं, जिसे ICF कोच भी बोला जाता है। इनका उपयोग मेन लाइन के ट्रेनों में किया जाता है। ऐसे कोच मेल एक्सप्रेस या सुपर फास्ट ट्रेनों में लगाए जाते हैं और यह 70 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकती है। ये कोच लोहे से बने होते हैं और एयर ब्रेक से लेस होते हैं और यह कोच अब पीले रंग में भी नजर आने लगी है। लाल रंग के डिब्बे का क्या मतलब होता है? लाल रंग के कोच लिंक होफमैन बुश यानी LHB कोच, जिनका उपयोग राजधानी शताब्दी जैसे ट्रेनों में किया जाता है। ये कोच स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं और अंदर से एल्युमिनियम से बने होते हैं, जो इन्हें बाकी कोच की तुलना में हल्का बनाता है। इन कोचों में डिस्क ब्रेक लगी हुई थी, जिस कारण से यह 160 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकती है। हरे रंग की ट्रेन अक्सर आपको गरीब रथ जैसे ट्रेनों में देखने को मिलेगी, क्योंकि इसके हर एक कोच AC होते हैं। वैसे आपका फेवरेट कोच किस रंग का है कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। ऐसे वीडियो के लिए हमें शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें।